कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से हवा में उछालो यारो। जी हाँ, ये पंक्तियाँ इंगित करती हैं कि यदि आप लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करते हैं तो अवश्य में आपको सफलता मिलती है। कृष्ण गंगा घाट का वर्तमान समय में इतना सुंदर दृश्य देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये वही घाट है जिसका केवल नाम शेष था, अस्तित्व नहीं। विगत वर्षों में यमुना नदी के उफान के साथ आई गाद ने इन घाटों को कहीं जमींदोज कर दिया था और लोग भी भूल गए थे कि यहाँ कोई घाट भी था। लेकिन वर्षों बाद आई आस्था के समुद्र में उफान आया और कान्हा के विस्मृत घाट यमुना मिशन के प्रयास से अस्तित्व में आ गए। दिन रात काम करके जेसीबी द्वारा कीचड़ हटाई गई, जन सहयोग मिला और फिर यमुना मिशन के द्वारा यहां जीर्णोद्धार कराया गया। घाट के किनारों पर सुंदर वृक्षावली लगाई गई। आज इस घाट पर लोग पूजन करते हैं, भजन कीर्तन के भक्ति रस से आविर्भूत होते हैं, बच्चे घंटों स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। घने वृक्षों के बीच स्वच्छ वायु में लोग प्राय सुबह और शाम के समय प्राणायाम व्यायाम का लाभ लेते हैं। इस घाट के विषय में यह मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास की यह जन्मस्थली है। वेदव्यास जी ने यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन कराया था। वर्तमान समय में कृष्ण गंगा घाट ब्रजवासियों में ही नहीं बल्कि पर्यटकों के भी आकर्षण का केंद्र बन गया है।